दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। मैंने आपको कई चुनाव संबंधी समाचार दिया। उन समाचारों के देने के बाद कई तरह का कमेंट हमारे पास आया। लोगों की भावनाओं को हमने समझा। पूर्ण रूपेण भावना समझने से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत के नौजवानों में बेरोजगारी के मामले को लेकर भाजपा सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी है और लोग तानाशाही सरकार का उपाधि भाजपा सरकार को दिया। चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किसी भी किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण लोगों में सबसे ज्यादा क्षोभ है। जहां उत्तर प्रदेश में मत के बंटवारा हो जाने से पिछले चुनाव में 14 में 80 में 72 सीट प्राप्त भाजपा को हुआ था, और इस बार अजीत सिंह, मायावती और अखिलेश यादव का साथ हो जाने के कारण नाको चने भाजपा को चबाना पड़ रहा और भारी नुकसान की संभावना व्यक्त की जा रही है। कई लोगों से हमारी बात हुई, लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में सीट बचाने के लिए बड़े ही तेजी से टिकट से बेटिकट सांसदों को किया गया, लेकिन इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुजन एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और मोदी और मोदी के समर्थकों की एक नहीं चल रही है। अब राहुल गांधी के नागरिकता पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है। तेज बहादुर यादव जो सैनिक हैं, उनके नामांकन को जबरन रद्द किया जाता है। इस तरह से डिक्टेटरशिप दिखाकर किसी भी तरह उत्तर प्रदेश में कुछ सीट लाने के लिए भाजपा के शासक चाहते हैं कि किसी भी तरह कुछ भी सीट आ जाए। लेकिन बेरोजगारी की जो बात कही जाती है, नौजवानों में बहुत ज्यादा रोष है। किसानों की हालत बद से बदतर है। नोटबंदी के कारण लोग परेशान हुए और जुमलेबाजी से भी लोग काफी परेशान हुए हैं। लोगों को यह अंदाजा लगा कि मोदी जी जो कहते हैं उस बात को तुरंत उलट देते हैं और तरह तरह की बातों को बोलकर हर चुनावी फेज में बात को बदलते हैं। अब बदलकर लोगों को असली मुद्दा से भटकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता अब इस बात को समझ रही है। और बनारस के लोगों ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि गंगा ने हमें बुलाया है, गंगा का मैं बेटा हूँ। इस तरह का जुमलेबाजी और इस तरह के झूठ प्रचारित करके 14 में बाहर गुजरात से आकर चुनाव लड़के जीत गए, लेकिन इस बार उन्हें जीतने में काफी कठिनाई होगी। अगर वो बड़े नेता हैं, जीत भी जाते हैं तो उनकी मार्जिन घट जाएगी। लोगों में रोष देखा जा रहा है। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, GST, नोटबंदी, किसानों की समस्या, ये सारे समस्याओं के कारण साथ ही साथ अब तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने का मुद्दा भी जुड़ जाता है और राहुल गांधी को नागरिक नहीं कहा जाना भी एक मुद्दा है जो जनता समझ रही है कि विपक्षी को किसी भी तरह बदनाम करके, परेशान करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। यह माइनस है भाजपा सरकार के लिए। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।